दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ ये पैनल के बारे में, पैनल किस तरह से काम करती है और इसमें जो आने वाले फॉल्ट्स होते हैं उसको हम किस तरह से सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। क्योंकि फॉल्ट जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि किस सेक्शन का है, मुश्किल हो जाती है रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग में टाइम भी बहुत लगता है। सो मैं आज आपको फॉल्ट के हिसाब से बताऊँगा कि आपको किस टाइप के वोल्टेजेस को चेक करना होगा। जो भी फॉल्ट मैं आपको दिखाता जाऊंगा उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के वोल्टेजेस जिनके हिसाब से फॉल्ट्स आते हैं वो आप देख पाएंगे। पहला फॉल्ट जिस पे हम डिस्कशन करेंगे ये एलजी की पैनल है, जिसमें पिक्चर आप देखेंगे कि दो दो सेकंड चल के फ्रीज हो जाती है। यहाँ पर ये डाइव लगी और ये फ्रीज हो गया। इसी तरह से ये प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है। ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम है जो कि एलजी की पैनल में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है कि किस तरह से ये रिपेयर होता है। जब भी इस प्रकार का फॉल्ट आपको दिखे तो आपको सबसे पहले ईवन टेस्ट पॉइंट चेक करना चाहिए। ईवन टेस्ट पॉइंट जैसे कि मैं बता रहा हूँ, -5 और 27 वोल्ट की स्वैपिंग सिग्नल एक एक सेकेंड में ये स्वैप होने चाहिए। अगर जो ये सही है तो दूसरा टेस्ट पॉइंट हमें ऑड वाला चेक करना है। ऑड टेस्ट पॉइंट पे भी सेम -5 और 26 वोल्ट का आपको स्वैपिंग सिग्नल दिखना चाहिए। अगर जो ये सही है तो आगे पैनल में फॉल्ट है। अगर जो ये फॉल्ट है तो आपको सबसे पहले टिकॉन बोर्ड से ऑड और इवन ट्रैक कट करनी है टेस्ट पॉइंट साइड से ही, और सोर्स पीसीबी पे VGHR को ऑड के साथ शॉर्ट करना है और VGHF को इवन के साथ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरा पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको LG की 32 इंच की पैनल में आने वाले फॉल्ट के बारे में बताया, उसको रिपेयर करने का तरीका बताया है। इस टाइप की पैनल्स में VGH ऑड और VGH इवन ये दो टेस्ट पॉइंट्स होते हैं जिसमें स्वैपिंग सिग्नल्स होते हैं -5 और 27 वोल्ट की, और किस तरह से ट्रैक्स कट करके जंपर मारने का मैंने आपको हल बताया कि ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बाजू में घंटी का निशान है उसे दबाना है और ऑल दबा देना है, ताकि जो मेरे सभी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।